सावी की सवारी में लीजिए सावी रुद्र अभिषेक कर रही है। जी हाँ, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में महादेव की पूजा अर्चना तो बनती है, लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद की बरसात के साथ साथ लीजिए पैसों की भी बरसात होने लगी। सावी और नित्यम सावन के महीने में ये देखिए रुद्रा अभिषेक कर रही हैं। बाहर बरसात हो रही है तो यहाँ पर रुद्रा अभिषेक हो रहा है। इन दोनों के बीच भगवान ने देखिए कैसे छप्पड़ फाड़कर नोटों की बरसात कर दी। रुद्राभिषेक के बाद महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि देखिए इस सावी के घर में नोटों की बरसात करने लग गए। अब एक पल के लिए यहाँ पर मौजूद लोग यही सोच रहे होंगे कि भगवान ना ये पैसों की बारिश करवा रहा है, लेकिन इन्हें क्या पता कि सोनम और नित्यम ऐसी बारिश करवाकर इन्हें फंसा रहे हैं ईडी के चक्कर में। जी हाँ, पूजा के चलते घर में ईडी की रेड पड़ गई है। नित्यम और घर वालों को पता ही नहीं है कि घर में छत के अंदर इतने सारे पैसे रखे हुए हैं। अब सोनम तो पहले से ही दालमिया को बर्बाद करना चाहती थी, रक्षम भी अब साथ दे रहा है उसका। सावी और नित्यम को ये नहीं पता कि घर में ही इनके दुश्मन छुपे हुए हैं। सामने तो अच्छा बनने का नाटक करते हैं और पीछे वार करते हैं। फिलहाल पूजा खत्म हुई तो नित्यम को ईडी वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सावी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं लाई। मुझे खुद को नहीं पता है कि इतना सारा कैश कहां से आया, और अगर आया तो आया ये छत से बारिश की हो रही है पैसों की। तो मेरे लिए शौक था, सावी के लिए शौक था, पूरे परिवार के लिए शौक था। आया तो आया, छत से क्यों आया? मतलब भी नहीं आना चाहिए। अरे यार, फिर भी चल ठीक है, कहीं रोक रखो भाई। कौन इंसान है जो ऊपर छत में घुसा और उसने कैश को सेट किया? और अच्छा, मैं भी बड़े टेंशन में बैठा हुआ था, छप्पर फाड़ के थे, लेकिन ईडी के सामने ना दे। हाँ, ईडी के सामने ना दे। अब ईडी के सामने जो मेरा सारा पैसा पकड़ा गया है, अब ना ही कोई सोर्स काम आएगी, ना ही पावर काम आएगी। अब तो वो लोग मुझे खदेड़ कर लेके जा रहे हैं। फाइनली रक्षम का पहला स्टेप दालमियाज को बर्बाद करने के लिए वर्क हो चुका है, और सोनम इधर रक्षम का साथ दे रही है। तो वो जो भी नोटों की बारिश हो रही है, वो सारा का सारा प्लानिंग रक्षम और सोनम का ही है। अब तो ये लड़ाई आर्या पार की होगी। सावी को अपने सुहाग को बचाने के लिए उसका पता लगाना होगा जिसने ये सब किया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।